हिमाचल प्रदेश में सोलन के मशरूम किसानों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट में सब्सिडी का ऐलान करेंगी ताकि मशरूम की खेती का विस्तार हो। सरकार में जो बजट पेश होने वाला है उससे हमें भी उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे और इसमें जो अपर कैप है उसको बढ़ाए ताकि कोई बड़ा प्लांट लगाना चाहता है उसके लिए भी सब्सिडी रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सब्सिडी दे और गांव में जाकर इसके लिए जागरूकता अभियान जो है वो चलाए। कुछ किसानों को शिकायत है कि बिचौलियों की वजह से उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। उन्हें उम्मीद है कि बजट में बिचौलियों पर लगाम कसने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि खासकर गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि मशरूम की खेती लोकप्रिय हो सके। हम लोग बजट में ये चाहते हैं कि मार्केट को पूरी तरह से ओपन किया जाए और उसमें किसी एक कार्टलाइजेशन जो बनी हुई है उसको दूर किया जाए। किसानों को उम्मीद है कि सरकार मदद करे तो भारत के मशरूम दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।